आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक्सप्रेस वे से चंबल में खुलेंगे विकास के नए द्वार। शिवपुरी जिले में 2200 करोड़ की लागत से बनने वाली सिंचाई परियोजना का शिलान्यास आज। सावन का पहला सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। और राज्य में भारी बारिश का दौर थमा, हरियाली और तालाबों का जलस्तर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डकैतों के आतंक से मुक्त हो चुके भिंड मुरैना में अब चंबल एक्सप्रेस वे जैसी परियोजनाओं के जरिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। भिंड और मुरैना में कल रविवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार चंबल क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री चौहान ने कहा, चंबल की इस माटी से भारत माता की सेवा करने के लिए अनेक जवान निकले हैं, आगे भी ऐसे ही सेनानी निकले, इसके लिए भिंड जिले में सैन्य स्कूल की स्थापना जल्द होगी। उन्होंने कहा, पहले जो भिंड मुरैना डकैतों के आतंक से भयभीत था, अब उन बीहड़ों में डकैत नहीं है। अब बीहड़ में चंबल एक्सप्रेसवे से विकास का नया मार्ग खुलेगा। चंबल के विकास में भाजपा सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। चंबल क्षेत्र को पानी देने के लिए 2245 करोड़ रुपए की सिंचाई बहुउद्देश्य परियोजना को स्वीकृति दी गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के अनेक नेता मौजूद रहे। शिवपुरी जिले के पिछौर में आज 2208 करोड़ रुपए लागत की लोअर और सिंचाई परियोजना का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से शिवपुरी और दतिया जिले के 343 ग्रामों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। जनसंपर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना बांध स्थल खनिया धान से 25 किलोमीटर और चंदेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध की कुल लंबाई 2070 मीटर रहेगी और उच्चतम स्तर 383 मीटर रहेगा। बांध में कुल 7 द्वार होंगे। बांध निर्माण से 12 गांवों की 2690 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आएगी। इससे 1000 परिवार विस्थापित होंगे, जिनके पुनर्वास के लिए पास के गांवों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। श्रावण मास के पहले सोमवार को तमाम मंदिरों में आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। सभी जगह शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। श्रद्धालु जल और विल्व पत्र अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों भोजपुर शिव मंदिर, खजुराहो के मंतगेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। यहां आज ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाएगा। श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ की गई है। वहीं आज उज्जैन में महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल विधिवत पूजा अर्चना महाकाल मंदिर के सभा मंडप में होने के पश्चात पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहां सवारी शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचती है, जहां जल से अभिषेक और पूजा अर्चना के बाद सवारी फिर तय मार्ग से होते हुए मंदिर पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
राज्य विधानसभा सचिवालय के अपर सचिव की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार व्हाट्सएप पर विधानसभा चुनाव प्रक्रिया एवं आचार संहिता से संबंधित एक परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह पत्र पूर्णतः कुटरचित और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देश पर प्रदेश भर में ईवीएम और वीवीपैट के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता वैन चलाई जा रही है। राजधानी भोपाल में आज से 2 अगस्त तक जागरूकता वैन भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी। वाहन के साथ चल रहे मास्टर ट्रेनर मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन और मतदान प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इसी तरह दतिया जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाताओं को वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन मशीनों की विशेषता यह है कि मतदाता को वोट डालते समय जिस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है उसकी क्रम संख्या, उसका नाम और चुनाव चिन्ह की पर्ची सामने आएगी, जिससे मतदाता यह देख सकेगा कि उसने जिस व्यक्ति को मतदाता डाला है वह सही है। 7 सेकंड दिखने के बाद पर्ची कटकर नीचे पेटी में चली जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह ने परख वीडियो कॉन्फ्रेंस में 4 अगस्त को प्रदेश में होने वाले जिला स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में वर्षा की स्थिति, मिल बांचे कार्यक्रम 2018, किसान कल्याण और कृषि संबंधी योजनाओं, आधार सीडिंग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सफल उद्यमियों के अनुभवों के आदान प्रदान और विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जाएं। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से जोरदार बारिश का दौर थम गया है। बीते दिनों हुई बारिश ने कई स्थानों पर हरियाली ला दी है। तालाबों का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हमारे शिवपुरी संवाददाता के अनुसार अभी तक जिले में अच्छी बारिश होने से हरियाली बढ़ी है और पर्यटन स्थलों में भी रौनक आ गई है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जिले में इस साल अभी तक 438 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो बीते साल से अधिक है। वहीं राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा आगरमालवा जिले और आसपास के क्षेत्रवासियों को आरक्षित रेल टिकट आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित डाकघर में स्थापित किए गए नवीन रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र का शुभारंभ सांसद मनोहर ऊंटवाल ने कल किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने कल नीमच में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ नीमच डिक्की उद्योग विकास प्रशिक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। धार के जिला भोज चिकित्सालय में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। मिल बांचे मध्य प्रदेश अभियान के प्रथम चरण में रायसेन जिले की 1863 प्राथमिक शालाओं और 657 माध्यमिक शालाओं में 7 अगस्त को एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक्सप्रेस वे से चंबल में खुलेंगे विकास के नए द्वार। शिवपुरी जिले में 2,200 करोड़ की लागत से बनने वाली सिंचाई परियोजना का शिलान्यास आज। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ी भारी श्रद्धालुओं की भीड़। और राज्य में भारी बारिश का दौर थमा, हरियाली और तालाबों का बढ़ा जलस्तर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।